हाउ टू मेक काले चने की सब्जी। हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाऊंगी काले चने की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं काले चने की सब्जी। काले चने की सब्जी बनाने के लिए ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑयल, ऑयल के बाद हम यूज़ करेंगे तेज पत्ता, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, 2 से 3 हरी मिर्च जिसे चॉप किया हुआ है, थोड़े से लहसुन जिसे चॉप किया है और अदरक जिसे ग्रेट किया हुआ है। उसके साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे 2 प्याज जिन्हें चॉप किया है और 1 टमाटर, और उसके साथ यूज़ करेंगे कसूरी मेथी। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी हींग, तो 1 पिंच हींग यूज़ करेंगे। उसके बाद जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने 1 कप काले चने लिए हैं, जिसे मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे भिगो करके रखा था। आप चाहो तो रात भर भी भिगो के रख सकते हो। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार पानी से। तो हम चलते हैं इसको पहले कुक करने के प्रोसेस में। तो मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें ये काले चने मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, तो 1.5 ग्लास पानी हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 ग्लास पानी डाला है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद मैं 1/2 ग्लास पानी और इसमें डालूँगी, तो आप देख पा रहे होंगे। और पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, जिससे जो हमारा ये काला चना है ये जल्दी पक जाएगा। तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगी मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैं इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाऊँगी। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन सोडा डालने से जो चने होते हैं या फिर छोले होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। तो उसके बाद अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे प्रेशर कुकर का, और इसको लगाने के बाद हम इसे गैस पे रखेंगे। तो मैंने ढक्कन बंद कर दिया है, तो अब हम चलते हैं गैस को ऑन करने की तरफ। तो गैस ऑन कर लिया है मैंने, और मीडियम फ्लेम पे मैं इस प्रेशर कुकर को रख दूँगी इस पर, और कम से कम 5 से 6 सीटी बजने तक इसे हम कुक करेंगे। 5 सीटी से ज़्यादा कुक ना करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके जो चने हैं वो अच्छे से पके नहीं हैं, तो आप बाद में 1 या 2 सीटी और लगा सकते हैं। तो 5 सीटी के बाद मैंने गैस बंद कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो जब ठंडा हो गया है तो मैंने कुकर खोला है और मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। तो हमारे जो काले चने हैं वो बहुत अच्छे से पक गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और अब हम इस पानी का भी यूज़ करेंगे। तो मैंने 1 कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें मैं डालूँगी ऑयल। तो हम बना रहे हैं करी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हींग, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम डालेंगे जीरा, और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे तेज पत्ता। तो आप चाहो तो तेज पत्ते को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक और लहसुन डालेंगे, जो हमने चॉप कर लिया था और ग्रेट कर लिया था, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तेल में जब बाकी चीज़ें पक जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो 2 प्याज जो हमने चॉप किया था उसको डाल देंगे, और इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे हम, जैसा कि आप देख रहे हैं। और प्याज हमारा जल्दी पक जाए तो हम इसमें थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको थोड़े सेकंड्स के लिए ऐसे मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्याज है वो जल्दी पक जाएगा। तो अगर आप चाहो तो आप नमक ना भी डालो। उसके बाद इसको मैं दोबारा अच्छे से मिक्स करूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं।
और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए हम इस तरीके से फ्राई करेंगे तेल में। और जब आपको लगे कि प्याज हल्के से पिंकिश हो गए हैं या थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैंने टमाटर भी डाल दिया इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ प्याज के साथ। और इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ सेकंड्स बाद हम इसको वापस से ओपन करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्याज़ और टमाटर है ये पहले से काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो हम सारे मसाले डालेंगे। तो मैंने डाला है सबसे पहले हल्दी पाउडर, उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और धनिया पाउडर डालने के बाद लास्ट में हम डालेंगे जीरे का पाउडर। और इन सभी मसालों को डालने के बाद हम प्याज टमाटर में इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करके हम इसे भूनने के लिए छोड़ देंगे थोड़े सेकंड्स के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा मसाला है वो पक गया है और उसने साइड्स में तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने काले चने जिनको हमने उबाला था। तो पानी के साथ ही हम काले चने को इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, और मिक्स करके इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर बाद हम डालेंगे नमक, क्योंकि नमक अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ प्याज को भूनते टाइम नमक डाला था। तो अब हम बाकी का नमक इस ग्रेवी में डालेंगे। और लास्ट में मैं डालूँगी कसूरी मेथी, ये एकदम से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, आप धनिया का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है, और डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से ग्रेवी में, नमक और कसूरी मेथी दोनों को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और ग्रेवी को इस तरह से मिक्स करने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़े से चनों को मैं ऐसे दबा दूँगी, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी जितना वो पकेगी। तो अब मैं ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक रही है। और अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ, तो आप देख पा रहे होगे कि ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है साइड्स में। तो हमारी जो सब्ज़ी है वो एकदम से तैयार हो गई है। तो मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। और जो हमारे काले चने की सब्जी है वो एकदम से तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलते हैं हम इसको सर्व करने के प्रोसेस में। तो मैंने इसको धनिया के पत्ते से सर्व किया है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैप्पी कुकिंग।